हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुहाना रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मंचूरियन, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। हमारी मंचूरियन बॉल्स होंगी आलू की, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होंगी। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम अपनी चारों कच्चे आलू को अच्छे से ग्रेट करेंगे, और ग्रेट मोटा मोटा ही करेंगे। इससे आलू की बॉल्स बहुत ही अच्छी बनेंगी। ये देखिए, हमारी आलू ग्रेट हो चुकी हैं। अब हम इनको 3-4 बार अच्छे से पानी से धुल लेंगे, जिससे आलू का सारा स्टार्च निकल जाएगा और जो बॉल्स बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अगर आप इनको 2-3 बार नहीं धुलेंगे तो आलू में कड़वापन रहेगा और बॉल्स हमारी क्रिस्पी नहीं बन पाएंगी। इसलिए प्लीज इन्हें 3-4 बार जरूर धुले पानी से। मैंने यहाँ पे 3 बार पानी से धुल लिया है आलू को। अब हम गाजर को भी ग्रेट कर लेंगे। ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपके पास गाजर ना हो तो सिर्फ आलू की भी बॉल्स बहुत अच्छी बनेगी। अब हम ग्रेटेड कैरेट को भी पोटैटोज में ऐड कर लेंगे, और इसी में जिंजर, गार्लिक और चिली का पेस्ट भी डालेंगे। इसी में 3-4 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, थोड़ा सा सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसी में 1 चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब हम सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अगर आपकी बॉल्स ना बन रही हो तो इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दें। हमारी बॉल्स रेडी है। अब हम फ्लेम ऑन करके ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉल्स है इनको हम 2 बार फ्राई करेंगे। ज्यादा फ्राई मत करिएगा पहली बार में। जब इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगे तभी हम इनको बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी बॉल्स हाफ फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हीं बॉल्स को हम फिर से फ्राई करेंगे, लेकिन इस बार डीप फ्राई करेंगे और फ्लेम हमारी हाई पर होगी। जब हमारी बॉल्स ब्राउन हो जाए तब हम इनको भी बोल में निकाल लेंगे। ये क्रिस्पी है, इसे हम कट करके दिखाते हैं। सी, कटने से ही पता चल रहा है कितनी क्रंची और क्रिस्पी है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड करेंगे। इसी में हम लहसुन ऐड करेंगे, और जो पेस्ट हमारा बच गया था वो भी इसी में डाल देंगे और हल्का भूनेंगे। इसको सॉटे करते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। सी, इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसी में हम कैप्सिकम डालेंगे। जब कैप्सिकम हमारे पक जाए तब हम इसमें अनियन भी ऐड कर लेंगे। अनियन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए लिड क्लोज करेंगे। सी, आफ्टर 30 सेकेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें हम 1 चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे, पानी, थोड़ा सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ वी विल मेक अ पेस्ट ऑफ अरारोट एंड वाटर। हमने यहाँ पे 1 चम्मच अरारोट लिया है और थोड़ा सा पानी। जब इसका घोल बन जाए तब हम इसको भी अपनी ग्रेवी में ऐड कर लेंगे और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और आधा चम्मच नमक और इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर के लिए लिड को क्लोज करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। सी आफ्टर 2 मिनट्स हमारी ग्रेवी बन जाएगी। अब इसमें हम मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे। ग्रेवी को बॉल्स के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे मंचूरियन रेडी है। अब इसको हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स से। ये देखने में ही कितने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं। अब हम धनिया को मंचूरियन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस द बेल आइकन ऑन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू।